ओके कंटिन्यू करते हैं. गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग चैप्टर नंबर टू इकोनॉमिक्स. द कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी आर डैश एंड डैश. इतने टाइम से हम तो कर रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट है क्या, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. सो द टू कॉन्सेप्ट आर, फुल में आप लिखना टोटल यूटिलिटी एंड MU मार्जिनल यूटिलिटी. फुल में आंसर लिखना मार्जिनल यूटिलिटी, वर्ड्स में लिखना. ओके ट्वेल्थ, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस एज कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी. जैसे जैसे यूनिट्स कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाएगी. सो व्हेन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस. 13, डैश यूटिलिटी इज यूटिलिटी, डैश यूटिलिटी इज यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम. तो मार्जिनल यूटिलिटी, एक एडिशनल और यूटिलिटी कंज्यूम किया, यूनिट कंज्यूम किया, उससे जो यूटिलिटी मिली उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. सो दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इज यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम. नेक्स्ट, एग्जाम में आया हुआ वन मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 14, वॉन सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड. अब तो नींद में भी इसका आंसर आना चाहिए आपको. वॉन सेटिस्फाइंग पावर या वॉन सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी. फिफ्थ, व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एम यू इज वॉट. देखो फटाफट वो ग्राफ को याद करो, आपका शेड्यूल और ग्राफ यदि ध्यान है तो प्रॉब्लम बहुत आसान है. मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे यहाँ पर जीरो हुई, डिमिनिश हुई. ओके ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाया, उसके बाद ये मैं टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, एक जगह जाके कॉन्स्टेंट हो जाती है और फिर गिरती है. ये पॉइंट ऑफ सेशिटी होता है जहां पर ये मीट करते हैं, ये दो पॉइंट्स. ओके तो अब यहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और MU जीरो है. व्हेन TU इज मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देन MU क्या होता है. व्हेन, वापस पढ़ो, व्हेन TU इज मैक्सिमम एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, MU क्या है. यहाँ पे ये x एक्सिस पे टच कर रहा है ना, तो MU इज नथिंग बट जीरो. फिर से 16th का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, व्हेन इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स ऑफ अ गिवन कमोडिटी, विद इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स ऑफ अ गिवन कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है. जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर जीरो यूनिट कंज्यूम किया, यहाँ पर वन किया, यहाँ पर टू किया, यहाँ पर थ्री किया, यहाँ पर फोर किया और यहाँ पर फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया. तो जैसे जैसे यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग, राइट. विद इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ यूनिट ऑफ अ गिवन कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस. ओके 17th पॉइंट, वॉर्म क्लोथ्स इन विंटर हैव डैश यूटिलिटी. गरम कपड़ों की यूटिलिटी क्या है, वॉर्म क्लोथ्स इन विंटर हैव टाइम यूटिलिटी. ऑब्वियसली वो उसी टाइम यूज होंगे गरम कपड़े, उसके बाद उनका क्या यूज है. 50 डिग्री राजस्थान के गरम टेम्परेचर में किसी को वॉर्म क्लोथ्स गिफ्ट करके देखो, फिर उसका चेहरा देखना कैसा हो. सिर्फ सर्दी में ही गरम कपड़े गिफ्ट किए हुए अच्छे लगते हैं, उसी समय उनका यूज है, गर्मी में उन कपड़ों का करोगे क्या. ओके सो वॉर्म क्लोथ्स इन विंटर हैव टाइम यूटिलिटी. 18th क्वेश्चन, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी एंड डैश, स्टॉक ऑफ कमोडिटी एंड टोटल यूटिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होगा क्योंकि वो हर सक्सेसिव यूनिट को इंक्लूड करती है. सो आंसर इज टोटल यूटिलिटी. व्हेन MU इज जीरो दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, यहां पर जीरो थी ना. व्हेन MU इज जीरो दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, इट इज कॉल्ड डैश. हमको पता है ये जीरो, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेशिटी. ये नहीं भूलना है आपको एग्जाम तक. सो पॉइंट ऑफ सेशिटी.
एन जो कि लास्ट यूनिट, सो टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन टोटल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड लास्ट यूनिट एन माइनस वन, यानी लास्ट से जस्ट पहले को हम उसके डिफरेंस को क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूनिट, क्योंकि मार्जिनल मीन्स एडिशनल. तो एक जो डिफरेंस था उसका, उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूनिट. ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन, यूज ऑफ अम्ब्रेला आर एग्जाम्पल्स ऑफ उस समय यदि ऑर्गन जिस समय चाहिए उस समय नहीं मिला, जिस समय ब्लड चाहिए नहीं मिला, जिस समय बारिश हो रही है उसी समय अम्ब्रेला चाहिए. हर जगह सुना समय समय समय, जब ऑर्गन चाहिए उसी समय चाहिए, ब्लड चाहिए उसी समय चाहिए, बारिश हो रही है बारिश के समय अम्ब्रेला चाहिए. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ समय यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी. ओके, टाइम यूटिलिटी. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं तो आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाता है. क्वेश्चन समझ में नहीं आया देन देयर इज अ प्रॉब्लम. 22nd, डॉक्टर टू पेशेंट, ट्यूटर टू स्टूडेंट, लॉयर टू क्लाइंट इज फॉर्म ऑफ, ये सब तो सर्विस देते हैं. डॉक्टर सर्विस देता है, ट्यूटर सर्विस देता है, लॉयर सर्विस देता है, सो इट विल बी सर्विस यूटिलिटी. नेक्स्ट, मैक्सिमम टी यू इज दैट, ये रहा मैक्सिमम टी यू, ये हमारा टी यू का कर्व है, टोटल यूटिलिटी का कर्व, और ये मार्जिनल यूटिलिटी. मैक्सिमम टी यू इज एट पॉइंट ऑफ सेशिटी. ओके, तो यू कैन से मैक्सिमम टी यू इज एट सेशिटी. ओके, सो नाउ वी आर डन विद द वन वर्ड आंसर. इन ऑल माय वीडियोस आई हैव ट्राइड आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूं, देन स्मॉल आंसर्स, जो शॉर्ट आंसर्स आते हैं वो एग्जाम में बहुत वेटेज के होते हैं, सो वो मैं आपको डिटेल में एक एक क्वेश्चन समझाऊं, ट्रू एंड फॉल्स हम करें, मैच द कॉलम करें, देन वन वर्ड आंसर करें. ओके, सो आई हैव ट्राइड टू कवर द फुल सिलेबस, एंड वॉचिंग वीडियोज एंड राइटिंग साइमल्टेनियसली विल हेल्प अ लॉट.